एक नहीं दो नहीं करोड़ 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के हरदिल अजीज नेता अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 11 जून को उन्हें किडनी में संक्रमण के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर बेहद लंबा रहा और अपने संपूर्ण जीवन काल को उन्होंने देश को समर्पित कर दिया था। यही कारण है कि विपक्ष के नेता अटल बिहारी का नाम आज भी बड़े आदर से लेते हैं। 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद वाजपेयी की सेहत लगातार खराब रहने लगी, जिसके बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का श्रेय भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है। 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 1996 में 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन फिर 1998 में उनकी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। संसद में उनका भाषण हो या फिर कोई चुनावी रैली, लोग दिल थाम कर उनके संबोधन को सुनते थे। लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। उनके अंदर का कवि उनके बोलने की कुशलता को और खूबसूरत बनाता था। पड़ोसी देशों के साथ बेहतरीन रिश्तों के लिए मशहूर अटल जी ने अपने कार्यकाल में कृषि, आर्थिक विकास और रक्षा के क्षेत्र में खास ध्यान दिया था। यही कारण है कि उनके शासनकाल में न सिर्फ किसान खुश थे बल्कि देश की तरक्की भी हुई और पोखरण जैसे न्यूक्लियर टेस्ट ने दुनिया भर में भारत का कद बढ़ाया था। जिस भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी मेहनत से सींचा था, आज वही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार चला रही है। बीजेपी के दिवंगत नेता के निधन पर पूरे देश में शोक का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जाहिर तौर पर राजनीतिक जगत में ऐसी शख्सियत बहुत कम ही देखने को मिलती है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री को देश हमेशा याद करेगा। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया हो, पर भारत के राजनीतिक इतिहास में वो हमेशा के लिए अमर रहेंगे। खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।